समय क्या ध्यान रखी जाने वाली और सावधानियां बरतने वाली बातें हैं उन पर चर्चा करूं बहुत संक्षेप में। चूंकि अपनी ये जो सफलता की प्रक्रिया इसके इसको मैं एक कृषि के रूपक से बताना चाहूंगी। अगर मैं बोल रही हूं और आपको लगता है कि समय ज्यादा नहीं हो रहा और आप बोर नहीं हो रहे तो एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। तो कृषि के रूपक से समझाना चाहूंगी क्योंकि अब राजस्व विभाग से जुड़ गई हूं तो कृषि बीज फसल पटवारी गिरदावर इनसे दिन भर सामना होता रहता है तो उदाहरण भी वैसे ही देने लग गई हूं। दोस्तों किसी भी बीज के अंकुरण उसकी वृद्धि स्थायित्व फल फूल सहित पूरा वृक्ष बनने में ही सफलता की प्रक्रिया निहित है। किसी भी बीज के अंकुरण के लिए सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग्यता है उस बीज का अंकुरण योग्य होना। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर झांके। एक बार एक पागल आईने में खुद को देखकर कह रहा था कि यार इसको कहीं देखा लगता है। बहुत देर टेंशन में सोचने के बाद वह बोला, धत्तेरी की, अरे ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। तो ये तो खैर पागल था, लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे और स्वस्थ चित्त व्यक्ति भी खुद को नहीं पहचानते हैं, अपने भीतर नहीं झांक पाते हैं। रास्ते में अगर कंकड़ी कंकड़ हो और अगर अच्छा जूता पहना हो तो उस पर चला जा सकता है, लेकिन एक अच्छे जूते में भी अगर कंकड़ हो तो रास्ता चाहे कितना ही बढ़िया क्यों ना हो उस पर कुछ कदम चलना। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि पहले बाहर की चुनौतियों से पहले खुद की कमजोरियों से जीते लड़े। बीज के अंकुरण के बाद अंकुरण के लिए आवश्यकता होती है उपजाऊ भूमि की, और मुझे नहीं लगता कि प्रतियोगिता के दौर में उपजाऊपन के मामले में राजस्थान विश्वविद्यालय का कोई सानी होगा। यहाँ का मार्गदर्शन आपके लिए सदैव पथ प्रदर्शक का कार्य करता रहेगा। आपको अपनी तैयारी के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए जहां कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान महाविद्यालय अथवा व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए कहीं भी अपने आप को समर्पित करें तो उस भूमि का उपजाऊपन जांच ले, क्योंकि कई बार योग्य बीज भी अनुपजाऊ उपजाऊ भूमि के अभाव में अंकुरित नहीं हो पाते हैं। बीज के अंकुरण के पश्चात आवश्यकता होती है खाद कीटनाशक और उत्प्रेरकों की। विद्यार्थी के लिए खाद का काम करते हैं उसकी कक्षा, उसकी पुस्तकें, उसके मित्र, उसके उसका जो पढ़ाई का आसपास का माहौल है वो, उसके गुरुजन जो उसे एकाग्रता और ज्ञान संचय की विधि प्रदान करते हैं। एकाग्रता पर थोड़ा सा, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ते हुए टीवी रेडियो चलाते हैं, एफएम चलाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कान में ईयरफोन डालकर म्यूजिक सुनते हुए फिर पढ़ाई करते हैं, और अगर पास में पड़ोस में कोई शादी हो रही हो, रात्रि जागरण हो तो उन्हें डिस्टरबेंस होता है। सर मैं अपना उदाहरण देना चाहूंगी कि मेरे घर के इस तरफ मंदिर है और इस तरफ मस्जिद। सुबह उठते ही इधर से घास खाए गैया, दूध पिए ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल शुरू हो जाता था, तो उधर ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ शाम ढलती थी, बारात भी उधर से ही जाती थी, सतराम के जयकारे भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अपने घर की छत की तरफ जाने वाली उस आखिरी सीढ़ी पर बैठकर की थी, और मुझे हर तरह के शोरगुल में एकाग्रता का इतना अभ्यास हो गया था कि पता ही नहीं चला कब होली की गैर निकल गई और कब ढोल ताशों के साथ मुहर्रम के ताजिए। पढ़ते वक्त मोबाइल बंद रखे, अगर व्हाट्सएप मैसेंजर और फेसबुक नहीं चलेगा तो एकाग्रता में वृद्धि होगी, लेखन शैली में सुधार होगा और टॉप 50 में आने की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं। मेरी बात करें तो मैं बताऊं, मैंने मोबाइल ही नहीं रखा था। यहाँ बैठे मेरे साथी इस बात के गवाह है कि मैंने एंड्रॉइड मोबाइल ओटीएस में आके खरीदा था और अब व्हाट्सएप पर जुड़ने वाली मैं अपने बैच की आखिरी मेंबर थी। कीटनाशकों की बात करती हूँ इसके बाद। जिस प्रकार पौधे की जड़ों के दीमक और पत्तों के कीड़ा लग जाता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी के भी धैर्य के लालच का, मेहनत के आलस्य का, सादगी के विलासिता का और पढ़ाई के भटकाव का घुन लग ही जाता है, और ऐसे में अनुशासन ही वह कीटनाशक का कार्य करता है। मित्रों अनुशासन ही वह औषधि है जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए साधना के तपोबल के ओज को परिवर्तित कर देता है।
इसलिए अपने आप को अनुशासित बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, अपना खाना पीना जागना सोना ये सब संयत बनाएं। और इसके लिए गीता का एक श्लोक मेरी प्रेरणा रहा है कि युक्ता हार विहार से युक्त सर्वस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नाम बोध से योगो भवति दुखा। अर्थात अपना सोना जागना आहार विहार और अपनी चेष्टाएं ये संयत हो उचित हो, और अगर आप इस अनुशासन को इस औचित्य को बनाए रखते हैं तो आपके लक्ष्य की पवित्रता को सुरक्षा मिलती रहेगी। पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है डीएपी और यूरिया जैसे उत्प्रेरकों की। ये उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो पौधे में वृद्धि तो करते हैं किंतु उसमें ऐसे विकार उत्पन्न कर देते हैं जिन्हें हम आजकल सब्जियों और गेहूं में कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के रूप में देखते हैं, और दूसरे वे उत्प्रेरक जो पौधे में प्राकृतिक हार्मोन्स को संतुलित करते हुए उसे स्वस्थ और लाभदायक वृद्धि प्रदान। विद्यार्थी के जीवन में भी दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। 2008 की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित